तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और ये आपके सामने जीके की क्वेश्चंस आ रही हैं दोस्तों, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन की आपको आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात हो जा रही है, नन ऑफ दिस, क्योंकि 26 नवंबर आंसर होगा जो कि दिया हुआ नहीं था दोस्तों। और आप देख रहे हैं जीके पेपर 3 के आंसर्स को, ठीक है। हिंदी टंकन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगी, उसे अच्छे से सॉल्व करना होता है क्योंकि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, गलत होने पर वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ गलत ना हो, बट फिर भी ये दो चार इधर उधर हो ही जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी, इस वजह से मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन किस देश के लिए अप्रूव किया था, उसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। तीसरा है एसिड रेन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। चौथा प्रश्न था कि इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपको स्कैनर। पांचवा प्रश्न था एमएस वर्ड के लिए फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि सेव एज हमें दिखे, चाहे सेव एज करने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा F12। समझ सकते हैं आप, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा फोर्थ नंबर, आंसर डी होगा, जिसमें अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध रखना, ठीक है। किन्होंने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, जिसमें कि ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल किया गया था, या उन्होंने किया था, तो उसका उत्तर होगा तिलका मांझी, ठीक है, ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है आपको, आठवीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 22, ठीक है। दोस्तों कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मुझे डाउट था या मुझे लगा कि मुझे सही उत्तर नहीं मालूम है, तो मैं आप सबके लिए वो छोड़ रहा हूँ, प्लीज आप हेल्प करो मुझे नीचे कमेंट में बताना, और जो भी आपको गलत लगे प्लीज आप कमेंट बताना, भैया ये गलत था सर ये गलत था, तो मैं कोशिश करूंगा उसे कमेंट में पिन करके उसे सुधार देने का। मैंने ट्राई किया दोस्तों की कि जितनी ज्यादा करेक्ट हो सके, जितने ज्यादा ऑथेंटिसिटी रहे, बाकी अगर कुछ गलती होती है मैं उसके लिए सॉरी हूँ दोस्तों, आप सब प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बिल्कुल बताएं। नौवां प्रश्न था कि इसमें से किन्होंने ये किताब लिखा है, इंडिया इज एस्पायर्स, ठीक है, रीडिफाइनिंग द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसका उत्तर हो जाएगा आपको तुहिन ए सिन्हा। ये नाम बहुत चल रहा है दोस्तों, सारे एग्जाम्स में इस नेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही गए थे। एमएस धोनी ने, ठीक है, भारतीय कप्तान के तौर पर कितने मेजर ट्रॉफीज जीते हैं, आईसीसी के मेजर 3 ट्रॉफीज ही होते हैं, तो उन्होंने जीत लिए हैं। सेटेलाइट इक्वेडर नाम का सेटेलाइट है, सॉरी सेटेलाइट ऑफ कौन सा नाम बताना है आपको, इक्वेडर का सेटेलाइट है जिससे डैमेज, वो जो डैमेज हो गया था स्पेस में रसिया के सैटेलाइट के साथ टकराने की वजह से, तो उसका आंसर होगा पेगासस। 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है, पहला कौन सा गलत है इसमें से, ठीक है, नॉट ट्रू है मतलब सही नहीं है, पहला डेवलप्ड बाय रघुनाथ मुर्मू, ये तो सही है, ऑप्शन सी भी मुझे सही लगा, लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन ऑप्शन बी में मुझे डाउट लगा कि ये सही नहीं है क्योंकि ये अंकिका लैंग्वेज लिखा हुआ है जबकि ये संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है, इस वजह से ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है इसमें से कि कौन सी संचालक शक्ति है जो कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास में प्रभावित करती है, तो इसका उत्तर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब आर्थिक कारक, बाजार आधार केवल और निवेश केवल, ये तीनों इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेगा दोस्तों, तो झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता, ठीक है, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कब जीते थे, तो वो 2000 ईस्वी में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक ऑफ गॉड लिव्स किन्होंने लिखा है, तो मिर्जा वाहिद ने लिखा है। 16वां नंबर प्रश्न था कि इसमें से कौन सा एक लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर का, तो ये हो जाएगा आपको एमएस एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से कौन से फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है, जिन्होंने सेंचुरी मारी है 3 सक्सेसिव टेस्ट मैचेस में, तो इनका उत्तर हो जाएगा विजय हजारे, इनके नाम पर मैचेस भी होते हैं विजय हजारे ट्रॉफी करके। इसके बाद जोबा मुर्मू जी से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, कौन से किताब या कौन सी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, तो इसका उत्तर होगा ओलोन बाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो ये भी बुक ऑथर से आया हुआ है, वनीषा एंड हर सिस्टर इज ऑथर्ड बाय प्रिया परमार। 20वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड हाईकोर्ट कब स्थापित हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 15, 2000 ईस्वी में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं प्लीज आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं दोस्तों तो प्लीज ध्यान दें, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है उसके बगल में एक बेल आइकन बना होगा उसे प्लीज दबा दें अगर आपने अभी तक नहीं दबाया, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन नहीं जाती है और मैं वीडियोज अपडेट करता हूँ बट आप लोग देख नहीं पाते, जैसे अभी CHSL की प्रिपरेशन शुरू करने वाला हूँ उसके लिए मैंने आपको कहा था, तो वो वीडियो में व्यूज नहीं आए क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चल पाया होगा, तो प्लीज आप वो दबा लें बेल आइकन को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न में आयरन लेडी ऑफ झारखंड किन्हें कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दयामणि बारला जी को। इंडस्ट्रियल कैपिटल झारखंड का कौन सा माना जाता है, तो ये हो गया जमशेदपुर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झारखंड के मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट 2003 में कितने मैक्सिमम रोज हो सकते हैं, तो 65,536। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो मैकेफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है।
बाकी सारे वायरस के नाम है। विलेज कम्युनिटी को क्या कहते हैं, तो इसमें मुझे डाउट था लेकिन मुझे बी लगता है ऑप्शन, ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन डिसेंट एंड लैंड्स। इसमें से कौन, किसने लॉरियल्स 2017 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, तो उसका उत्तर हो जाएगा उसेन बोल्ट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था आपको, इसमें से कौन सी नदी पलामू क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार से निकलती है, साउथ कोयल होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप लोग देख लो कहीं बी ऐसा ना हो, बी हो, लेकिन फिर भी मुझे साउथ कोयल लग रहा है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, लेजेंड राज राजा जय सिंह देव उड़ीसा के थे, ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को रूलर झारखंड का किस ईस्वी में, किस सेंचुरी में, सॉरी, तो ये हो जाएगा वो 13th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फुल फॉर्म बताना है एमएसआई का, तो एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ बायोस एंड रोम चिप्स आर कॉल्ड फर्मवेयर, ठीक है, झारखंड ऑक्यूपाइज विच पोजिशन इन आयरन ओर रिजर्व, तो ध्यान देंगे कोल में फर्स्ट है और आयरन में सेकेंड है। कौन सी इसमें से कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड की मतलब फंक्शन है, तो ये इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। आप, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कंप्यूटर के 85% क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे वीडियोज आए थे, सिर्फ दो वीडियो से कॉपी पेस्ट थे मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्यूटर के। आगे चलो मैं बताता चलूंगा, तो विच आर द फॉलोइंग रिलेटेड टू डाटाबेस, इसमें से कौन सा सब डाटाबेस से रिलेटेड है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा डाटाबेस से रिलेटेड है। आई थिंक मैंने इसे सॉल्व कर दिया, नहीं रिलेटेड है तो आप प्लीज एल्गोरिथम वर्ड को तो आंसर मत ही मानना, इसमें डाटाबेस से रिलेटेड आई थिंक, चलिए मैं इसको आपको पिन करके नीचे बता दूंगा, वैसे डाटाबेस से रिलेटेड इसमें आपको होना चाहिए ऑप्शन सी या तो ए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा नीचे कमेंट में, ये गलती से मैंने इसे नोट करके इसे आंसर मार्क कर लिया है। इसमें से फिर नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, द हेड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम, भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ माइनर मिनरल्स इन झारखंड, ठीक है, एस्टिमेटेड 40 करोड़ इन द ईयर, किस ईयर में, तो 2014-15 इसका उत्तर होगा, मैंने सर्च भी किया, मुझे उत्तर हर जगह यही मिला, यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं, इस हिसाब से आप 15-16 मार सकते हो, नहीं तो 14-15 होना चाहिए, इसलिए नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है। 37 नंबर प्रश्न में ये पूछ रहा है आपसे कि मेन्यू का उपयोग में सेलेक्ट कट कॉपी करते हैं, ये किस टूल के अंदर आता है, तो जब मैंने पावर पॉइंट का और एमएस वर्ड का बताया था उसमें ये बताया हुआ था, ये एडिट टूल के अंदर आता है। अगला प्रश्न है कि आपको शॉर्टकट की बटन किसका प्रयोग करना होगा बैकवर्ड जाने के लिए, ठीक है, टैब्स के हेल्प से, तो शिफ्ट, सॉरी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। झारखंड के फेमस टेगोर हिल का और क्या नाम है, तो मोराबादी हिल। 40 नंबर प्रश्न है आपको, इसमें से किस डिपार्टमेंट ने ये रूफ टॉप पे सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की है 100 से ज्यादा सरकारी बिल्डिंगों में, तो ये एनर्जी डिपार्टमेंट होगा, ऑब्वियस है ना। उसके बाद चैत्र पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, आप बताइए दोस्तों, मुझे तो मार्च लगता है, आप बताओ क्या होगा, है ना, उसे मार्च होना चाहिए। व्हेन वाज द हिस्ट्री ऑफ झारखंड बिलीव टू हैव बिगन इन वैदिक एज। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें से क्या या एक छोटा प्रोग्राम है जो कि जीआईएफ चित्र के निहित होता है, तो ये हो जाएगा आपको वेब बग, ऑप्शन। नेक्स्ट होगा 44 नंबर, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन मेथड है जो कि ट्रांसमिट करता है डाटा और सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, ये मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस हो रहा था कुछ दिनों पहले, मुझे ध्यान गया हुआ था, तो इसका आंसर होगा वैसे फुल डुप्लेक्स। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपको 5-ईयर प्लान, जिसमें कि गरीबों की बात की गई थी, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 5th 5-ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजना कौन सी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात थी। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है अभी, तो पहले 66 था, इसने 6 पायदान उछलकर और ये 60 कर लिया था, तो उत्तर इसका 60 होगा। राइस झारखंड का मेन क्रॉप है जानते हैं, लेकिन कितने परसेंट एरिया ये क्रॉपिंग एरिया लेता है, तो 60-65 था आंसर, तो इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सिमेट 60 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्यूल रिवर ऑरिजिनेट सीन, मतलब कहां से ये निकलता है, तो ये गिरिडीह होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत ने 31 लॉन्च हुआ था 31 मल्टी स्किल स्कीम बहु कौशल योजना आरंभ की गई थी, ठीक है, युवाओं के लिए, तो इसका योजना का क्या था, ये मतलब ये किससे आधारित था, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र था। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय पद्म विभूषण विनर थे, कब जन्म हुआ था इनका, 1926 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न है, इसमें ये पूछ रहा है भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को कब पद्म श्री का सम्मान दिया, तो 2016। इसमें से सब 7 एक एग्जाम्पल है किस चीज का, सब 7 नाम आप देख सकते हैं, SUV, SEV, सब 7 एक वायरस का नाम है जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स,
ठीक है, घोड़ा वाला नहीं है, ट्रोजन हॉर्स वायरस का नाम है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा एक उपयोग में लिया जाता है जिसे ईमेल अकाउंट हेतु यूज किया जाता है और खास करके स्टोरेज के क्षेत्र में, ठीक है, ईमेल्स के। तो इसे होता है मेल बॉक्स, ऑप्शन सी। 54 नंबर प्रश्न है कि इसमें से कौन सा टोपोलॉजी है जिसे नेटवर्क कंपोनेंट्स उसी केबल से जुड़े होते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो विच टोपोलॉजी आर नेटवर्क कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू द सेम केबल, एक ही केबल से। तो ये हो जाएगा आपको बस टोपोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर का टर्म है टोपोलॉजी। इस वजह से ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे दोस्तों। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट झारखंड क्रांति दल योजना, सॉरी क्रांति दल, झारखंड क्रांति दल किस वर्ष में इसका गठन हुआ था। मुझे तो कंफ्यूजन है, इस वजह से मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। 3-4 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो, है ना। कोवालम बीच कहां पर स्थित है? तो ये केरला के तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। www ये वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म हो गया। ट्विटर और फेसबुक सोशल अकाउंट्स है, सोशल मीडियाज है। लिनक्स क्या है? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे कंप्यूटर के वीडियो से, मैं दो दो तीन तीन दिन और जो पीडीएफ दिया था अपने फेसबुक पेज पे आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए, उनसे ही क्वेश्चन है। ओपन सोर्स मैंने बहुत बार बोला भी था, ये भी क्वेश्चन मैंने अपने पहले वीडियो में भी और लास्ट वीडियो में भी कंप्यूटर के बताया था। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका उत्तर होगा। 60वां नंबर प्रश्न है आपको, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गुड्स और सर्विस टैक्स के लिए किसको एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रखा गया था, ठीक है। तो ये होगी काजल सिंह थी। करेंसी पूछ रहा है आपको, दो देश का नाम दिया हुआ है आपको, एंटीगुआ और बरबूडा। बरमूडा नहीं है, बरबूडा है, ठीक है, और एंटीगुआ है। इसका उत्तर होगा आपको डॉलर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 2012 में माओ साइन किया गया था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए, ठीक है, और झारखंड में आईटी पार्क डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी से माओ किया गया था। वो किस जगह की बात की गई थी? झारखंड में कहाँ स्थापना होने वाला था उसका? सिंदरी में, धनबाद सिंदरी में। अब 1 GB बराबर क्या होता है? तो 1024 MB होता है। मैंने पूरा चार्ट बताया हुआ था जो टेराबाइट वगैरह सब कुछ, जो तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हैं, वीडियो और पीडीएफ में भी ये दिया हुआ था, तो आप लोग तो याद होगा, है ना। 64 में था कॉन्स्टिट्यूशन की किसमें, कौन से पार्ट में ये डील किया गया, कब? पंचायतों को लेकर के, पंचायतों का बात कब किसमें किया गया? तो पार्ट 9 में, ठीक है, पार्ट 9 में, रोमन्स में ही लिखते हैं, चलिए इसको हटाइए, ऐसे नहीं लिखेंगे, पार्ट 9 होगा इसका आंसर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है इसका आपको कि हजारीबाग में जो फेमस फेस्टिवल होता है या क्या होता है उसका ही नाम बताना था आपको, इन द मंथ ऑफ माघ। तो ये होगा यात्रा, ठीक है, यात्रा होता है, ठीक है। महाजनपद में 500 BC में इंडिया इमर्जेंस लार्ज स्टेट कंट्रोल बाय इंटायर लोकेशन सब कॉन्टिनेंट, इसका उत्तर मेरे को कंफ्यूजन है दोस्तों, 12 और 14 में, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग बताओ मुझे कमेंट में, तो मैं उसे पिन कर दूंगा तो सारे लोग देख पाएंगे जिन्हें भी कंफर्म आता हो, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ दोस्तों, सीख कर सिखा रहा हूँ। तो अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, चाहे मुझे कुछ छूट रहा है, तो आप लोग मुझे हेल्प करो, ठीक है। 67 में इंडिया ने सक्सेसफुली अपना एंटी, ठीक है, एयर डिफेंस मिसाइल का प्रशिक्षण किया, ठीक है, उसे सफलतापूर्ण प्रक्षेपण कर लिया। वो किस जगह से किया? तो वो बालासोर उड़ीसा से किया, ठीक है, मैं आपको नाम बताते रहा हूँ, भविष्य में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बालासोर उड़ीसा। अब झारखंड के कितने, या झारखंड को कच्चे माल के भंडार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, प्रमुख भागों में जाना जाता है या बांटा गया था? इसका उत्तर होगा 8, ठीक है, इसका उत्तर होना चाहिए 8, सी ऑप्शन। उसके बाद है कि 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम 1.44 MB, मेगाबाइट। 70 नंबर प्रश्न है कि इंडियन फार्मर, भारतीय किसान को जो फसल बीमा योजना दिया जा रहा है वो किस क्रॉपिंग के अंदर? तो रिले क्रॉपिंग उसका उत्तर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूमन ने की थी, और कब की थी वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1884 में की थी। कर्मा फेस्टिवल में कितने देर फास्ट किया जाता है? तो जाना मुझे लगता है तो ये 24 आवर इसका आंसर होना चाहिए, एक दिन का ना। 73 नंबर में बताया जा रहा है कि मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया क्विक के नाम से, जिसमें अलर्ट भेजा जाएगा आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो ये किसने बनाया? तो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, ठीक है, NCIS इसका फुल फॉर्म होना चाहिए, या NCS भी चलेगा, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। इसमें से कौन सा कैपिटल है इक्वेटोरियल गुनिया का? इक्वेटोरियल गुनिया का कैपिटल क्या है? तो मलाबो, ऑप्शन ए। 75 नंबर प्रश्न है, 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.41 मिलियन टन किस चीज का भंडार था? तो इसका उत्तर होगा लाइम स्टोन, कहने का मतलब चूना पत्थर। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है?
वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 77 नंबर में है, एरर कंप्यूटर में जो आता है उसे क्या कहते हैं, बग। डायरेक्ट मेरे वीडियो से है, मैंने बताया हुआ था अपने वीडियोस में, कंप्यूटर के वीडियोस में। डिसीजन जो लिया गया स्टूडेंट्स को किस भाषा लिखने दिया जाए, ये मुझे हल्का डाउट लग रहा है, मुझे संथाली और कुरुक में लग रहा है, मुझे संथाली लग रहा है, आप बताओ मुझे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे डाउट है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 79 नंबर क्वेश्चन में किस और दो देश में तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है, तो श्रीलंका और सिंगापुर। 80 नंबर प्रश्न, झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आसान था, है ना, हिंदी। किस आर्टिकल में यह बताया गया अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है, तो आर्टिकल नंबर 17। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82 नंबर प्रश्न की, तो इसमें से कौन से है फेमस सिंगर जिन्होंने 5 बार ग्रैमी अवार्ड, मतलब 5 अवार्ड जीते हैं आपको 59 ग्रैमी अवार्ड 2017 में, तो इनका नाम है एडिल, इन्हें 5 अवार्ड दिया गया ग्रैमी 2017 में। इसमें से कौन सा मेमोरी है, तो यह बहुत इजी क्वेश्चन था, रैम रोम ये सब मेमोरी है, ठीक है। यूएसबी केबल की बात है, लैंड नेटवर्क की बात है, मैंने पहले बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसमें से ईशान जैकी किस खेल से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद इंडियन जर्नलिस्ट और न्यूज रिप्रेजेंटर कौन झारखंड से इनमें से है, तो इनका खगेंद्र ठाकुर इनका नाम होगा, यही उत्तर होगा, खगेंद्र ठाकुर, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से पहले भारतीय ओलंपिक मेडल विनर कौन से हैं आजाद भारत के बाद, तो आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये आपको नाम नया हो सकता है, सुनने में लगे केडी यादव होगा, ठीक है। और इन्हें जो सम्मान पुरस्कार मिलना चाहिए वो भी इन्हें अपना हासिल नहीं हो पाया, इनके जीते जी और मरणोपरांत भी इन्हें अभी तक कोई खास पुरस्कार नहीं दिया गया, लेकिन ये हमारे भारत के आजाद भारत के पहले ओलंपिक विनर थे, आई थिंक रेसलिंग वगैरह में, ठीक है, कुश्ती वगैरह में। 87 नंबर प्रश्न है कि इसमें से कौन सी स्क्रिप्ट एंशियंट भारत में, मतलब प्राचीन भारत की है और दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो इसका उत्तर होगा खरोष्ठी, ठीक है, खरोष्ठी में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उसके बाद अगला प्रश्न है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन, कहां पर यह स्थित है, तो यह रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैंने इसे टच भी नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आया, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, सुब्रत मुखर्जी कब की बात की जा रही है, और ये रनर्स अप रह चुका है झारखंड 2003-04 में, लेकिन इसका सही उत्तर 1 या 2 होगा, मुझे ये डाउट था, ये मिलाकर ये 5वां प्रश्न है जिसे मुझे डाउट था और मैंने आपको सही आंसर नहीं बताया है, तो आप भी ये प्लीज मुझे बता देना नीचे कमेंट करके। फ्लॉपी डिस्क जिसमें कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डिस्केटिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें से फादर ऑफ इंडियन रेलवेज ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के तौर पर, तो लॉर्ड डलहौजी। 93 नंबर प्रश्न है इसमें से कौन वर्ल्ड सेकेंड एंड इंडिया फर्स्ट चाइल्ड है, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने, मतलब जो जिन्होंने जिस डॉक्टर ने इस काम को किया था, और देश में दूसरा, देश में पहला और विदेश में दूसरा कारनामा था, तो ये किस डॉक्टर ने किया था, तो इनका नाम था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप अपने जिन्होंने का आज एग्जाम था और कट ऑफ मेरे वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप आंसर के अभी मिला रहे हो तो प्लीज अपने मार्क्स को नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो पर जाकर के बताओ, या तो मेरे चैनल पर जाकर के देखो, मेकिंग ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, प्लीज आप बताओ, क्योंकि कल सुबह 10 बजे मैं सारे चीज को कैलकुलेट करूंगा। करीब करीब 400 कमेंट आ चुके हैं, मैं चाह रहा हूं आप लोग भी कमेंट करो आज के कैंडिडेट्स, ताकि मैं अच्छे से कट ऑफ बना सकूं, तो प्लीज आप कमेंट करो, तब मैं कल परसों कट ऑफ डिस्कशन करूंगा नई वीडियो में। प्लीज आप अपना मार्क्स वहां जाकर के शेयर करो, मेकिंग ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ नाम करके एक वीडियो है उसमें, ठीक है। 1914 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जतरा उड़ाव ने मूवमेंट स्टार्ट किया, इसका नाम था ताना भगत आंदोलन या मूवमेंट। 95 नंबर प्रश्न में है दादा साहब फाल्के अवार्ड एकेडमी अवार्ड किस एक्ट्रेस को दिया गया था, इनका उत्तर होगा प्रियंका चोपड़ा। तो ये थी दोस्तों आज के जीके पेपर 3rd 4 फरवरी की उत्तर, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो पे एक लाइक दे दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, मैंने जैसा पहले बताया प्लीज बेल आइकन को आप दबा लें, और आपके स्क्रीन पर बहुत सारे वीडियोस के आ रहे होंगे, इन सब की भी जाकर आप आंसर की चाहे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्लिक करके वीडियो पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।